आपकी शादी कब होगी, किस उम्र में होगी, किस साल में होगी, बहुत आसानी से आप अपनी जन्मतिथि से जानने वाले हैं। जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू द फैमिली। आज आपसे बात कर रही हूँ इस वीडियो में कि आप स्वयं जाने कि आपकी शादी कब होगी। इससे पहले शेयर करूं, जल्दी जुड़ जाएं हमारे इस परिवार के साथ एंड गिव अस अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हर हफ्ते जो ये बुधवार और रविवार को एपिसोड्स रिलीज होते हैं आप तक पहुंच सके। अब आपकी शादी कब होगी आपका सवाल रहता है। जल्दी से लिखें अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, यानी असली वाली जन्मतिथि, वास्तविक वाली, वो नहीं जो डॉक्यूमेंट्स में है। अगर वो सही है तो ठीक ही है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्मतिथि है 3 जनवरी और वो पूछने आए आपसे या वो जानना चाहते हैं मेरी शादी कब होगी। तो शादी आमतः जो मैंने देखी है, वैसे तो व्यक्ति जब चाहे कर सकता है, आमतः प्रॉमिस होता है जब उनका पर्सनल ईयर 2 हो 3 हो 6 हो। अब पर्सनल ईयर कैसे निकालें, जैसे ये व्यक्ति है जिसकी जन्मतिथि है 3 जनवरी, अब उसको महीने का नंबर है, जनवरी पहला महीना है तो नंबर 1 और तारीख है 3, तो जोड़ लीजिए मंथ और दिन 1 और 3 देगा आपको 4। और वो आपसे कहता है क्या 2023 में शादी के चांसेस हैं, 2023 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो उस वर्ष को जोड़ें आ जाएगा 7। अब इस 7 को आप इसके जन्मदिन के महीने और दिन से जोड़ें, जनवरी 3 का जन्म है तो आ गया 4, और 2023 को जोड़ने से आया 7, 7 और 4 को जोड़ा आपने आ गया 11। वैसे तो मास्टर नंबर है, जोड़ें 1 और 1 गिव्स यू 2। ये है इस व्यक्ति का पर्सनल ईयर 2। ऐसे ही आप कैलकुलेट करें कि आपका पर्सनल ईयर 2, 3 और 6 जब आएगा, उस साल में परिवार में बढ़ोतरी, शादी या सगाई के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो कैलकुलेट करें जिस साल शादी हुई वो आपका पर्सनल ईयर कौन सा था। वैसे तो व्यक्ति जब चाहे शादी कर सकता है, लेकिन एक योग बनता है। वैसे तो कुंडली में जुपिटर वीनस आपको देखना है, 7वें घर का कौन है लॉर्ड, लेकिन इसके अलावा मैंने देखा है पर्सनल ईयर 4 और 7 में भी शादियाँ होते। अब आपका दूसरा सवाल, शादी किस दिन। तो आमतौर शादी तो कुंडली मिला के आप जैसे करते हैं, आमतौर पर तो छुट्टी है तब हो जाती है, पर हाँ मंडे है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है। हाँ एक एक्सेप्शन है लोग कि 8 तारीख को 5 तारीख को अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो रिलेशनशिप में दिक्कतें देती है या घर में फिर शादी के बाद बच्चे होने में प्रॉब्लम आती है। कुंडली के और भी योग हैं पर ये कुछ तारीखें हैं। हाँ वैसे तो व्यक्ति जब चाहे कर सकता है, लेकिन आज इस एपिसोड में हमारी बातचीत थी आपके साथ, शादी कब होगी, किस उम्र में होगी, आप खुद कैलकुलेट करें जब आपकी हुई आपका पर्सनल ईयर क्या था। और आप अगर जानना चाहते हैं आपकी कब होगी तो जोड़ते जाइए, 2024 का अगर आपको निकालना है तो 2024 को जोड़ने से आएगा 8। आपका जन्मदिन और महीने को जोड़ें उसमें और देखें क्या अंक आया, अगर वो 2 आ रहा है 3 आ रहा है 6 आ रहा है, यानी उस साल उसका योग है। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन से अंक आए।